दोस्तों, इस स्टोरी में पोएट हमको एक साहिब नाम के लड़के के बारे में बताती है जिसका पूरा नाम साहिब आलम होता है। दोस्तों, ये एक रैक पिकर होता है, मतलब कूड़े बीनने वाला होता है। और पोएट इसके पास जाती है और पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल बनवाती हूँ तो तुम लोग क्या वहाँ आना पसंद करोगे? तो साहिब बोलता है हाँ, हम आना पसंद करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद साहिब उनके पास जाता है और पूछता है कि आपने जो स्कूल बनवाने के लिए कहा था क्या वो बन चुका है? तो उसको पोएट मना कर देती है और फिर रियलाइज़ करती है कि बड़े बड़े लोग इनसे ऐसे वादे कर लेते हैं जिसको वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। फिर वो साहिब के कुछ दोस्तों से मिलती है और देखती है कि किसी ने जूते पहने हुए हैं, किसी ने जूते नहीं पहने हुए हैं, कोई दो कलर अलग अलग कलर के शूज़ पहने हुए, और कुछ लोग तो उस लोग तो एक शूज़ पहने हो, एक शूज़ पहने भी नहीं है। फिर वो इनके घर वालों से मिलती है जो सीमापुरी के एक स्लम एरिया में रहते हैं और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस करती है जैसे कि आप गुजारा कैसे करते हैं। एंड फाइनली कुछ महीनों बाद जब वो साहिब से मिलती है तो देखती है उसके हाथ में एक केतली है और वो एक चाय की दुकान पर काम करता है और सोचती है कि पहले ये कितना फ्रीडम से जीता था और अब इसको किसी के ऑर्डर्स पे चलना पड़ रहा है। तो इसी स्टोरी की मैंने ऑडियो स्टोरी एक बना के डाल चुका हूँ मैं अपने चैनल पर। अगर आपको इस स्टोरी को डिटेल में समझना है तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।